हम इस वक्त ड्रैगन पैलेस में हैं। यहाँ पर हम इस वक्त यहाँ पर ड्रैगन पैलेस में हैं। यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महामानवता दिवस, यहाँ पर बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। हम उस जगह को अभी दिखाने चल रहे हैं। यहाँ पर कर्नाटक से आए हैं, गुलबर्गा से। हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं सर। आप लोग कर्नाटक से आए हैं और इस नागपुर की धरती पर क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जय भीम। जय भीम। सब धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं गुलबर्गा के, कर्नाटक के तरफ से, गुलबर्गा वाले शहर वाले से, और यह महाराष्ट्र नागपुर वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत अच्छे लोग आए हैं। अभी हमारे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आने जाने वाले को, पानी चाहिए, टी चाहिए, सब नाश्ता गिश्ता अच्छे कर रहे हैं नागपुर वाले भाई और बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने लोग आप साथ में हैं? हम साथ आठ जने आए सर। अच्छा, जने आए हमारा डिपार्टमेंट आठ जन। अच्छा अच्छा अच्छा, बात देने का हम लोग भी आ जाएंगे। हमें जब तुम्हारा चैनल देखूंगा हम, जब कौन सा चैनल तुम्हारा? ये यहाँ पर देखिए बाबा साहब की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है इस जगह पर, और यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए, खाने पीने की भी व्यवस्था बनाई गई है। जो दूर दराज से आएंगे उनके लिए यहाँ पर है, और काफ़ी अच्छा है। और इस गार्डन में बैठने की भी साफ़ सफाई सुविधा है, कोई गंदगी नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी लोग दूर दराज से आए हैं। हम इस जगह को आपको कवरेज करके दिखा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आपके ये पार्क में लोग बैठे हैं। हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है, उस जगह को अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए अंदर बाबा साहब की यहाँ पर मल्टीमीडिया छाया पर प्रदर्शनी लगाई गई है, यहाँ पर लोग जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मराठी भाषा में लिखा गया है, ये 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा, ये समय भी दिया गया है। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक का यहाँ समय भी लिखा गया है। और दोनों यहाँ पर हम जा रहे हैं बाबा साहब की यहाँ पर जो प्रतिमा है, बहुत बड़ा स्टैचू बनाई गई है, उस जगह पर हम अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पंचशील लहरा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जूता चप्पल बाहर निकाल करके ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं, कोई जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर है। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूर्ति है। कहाँ से आए हैं? मैं कर्नाटक से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, कर्नाटक से मैसूर डिस्ट्रिक्ट उधर से आ रहा हूँ। अम्बेडकर बुद्धा नागपुर देखने के लिए आया, वहाँ से इधर आने के लिए 2 दिन चाहिए, और 2 दिन इधर देख के घूम के जाता हूँ। जय भीम। जय भीम। जय भीम। चलिए, आपके द्वारा यहाँ पर कर्नाटक से आए हुए हैं अभी बताए हैं, और हम अंदर चल रहे हैं, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट थोड़ी सी दिखाएंगे। यहाँ पर जहाँ बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है, इस जगह पर चल रहे हैं, और यहाँ पर तमाम बाबा साहब के मानने वाले आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, दर्शन करके बाबा साहब की प्रतिमा को अभिवादन करने यहाँ पर जा रहे हैं, अभिवादन बाबा साहब को। और यहाँ पर इस जगह पर हम आपको यहाँ से भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस गार्डन में देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर लोग, ये यहाँ पर। और चलिए ये देखिए यहाँ पर लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर बाबा साहब की यहाँ पर देखिए ये वही जगह है, देखिए कैसे बनाया गया इसको, ये बाबा साहब के यहाँ पर बहुत बड़ा
प्रतिमा स्थापित है, बहुत बड़ा प्रतिमा है, एक नागपुरी इतिहास रचाते हैं बाबा साहब। इसकी ऊंचाई कितनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं, कैसे इसको बनाया गया है, बहुत ऊंचाई में गोलाकार में बनाया गया है, ड्रैगन पैलेस इसे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा है।